नमस्कार, आप सबका स्वागत है। दिल्ली टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया मजबूत स्थिति में दिख रही है। भारत ने अपनी दूसरी इनिंग 5 के नुकसान पर 246 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। इनिंग डिक्लेयर करने से कुछ ओवर पहले ही कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री के बीच कुछ प्लानिंग हुई। हालांकि विराट फील्ड पर बैटिंग कर रहे थे और कोच पवेलियन में बैठे थे। ऐसे में मैसेज बॉय का रोल निभाया टीम के युवा क्रिकेटर विजय शंकर ने। विजय ने पहले विराट से बात की, फिर कोच से और फिर विराट को मैसेज देने फील्ड पर पहुंच गए। टीम इंडिया की दूसरी इनिंग का 48वां ओवर शुरू होने वाला था। इससे पहले ही विजय शंकर कुछ मैसेज के साथ पानी बॉटल लेकर फील्ड पर पहुंच गए। यहां विराट भी उनका इंतजार कर रहे थे। जब तक विजय पहुंचे, विराट ने पहले अपने जोड़ीदार रोहित शर्मा से बात की और फिर विजय को मैसेज दिया। विजय तुरंत ये मैसेज लेकर कोच रवि शास्त्री के पास पहुंचे। विजय के मैसेज के बाद शास्त्री ने उप कप्तान अजिंक्य रहाणे और असिस्टेंट कोच संजय बांगर के साथ कुछ चर्चा की। मैच में अभी 2 बॉल ही हुई थी कि कोच ने विजय को प्लानिंग बताते हुए फील्ड पर जाने के लिए कहा। विजय फिर पानी की बॉटल लेकर बाउंड्री पर इंतजार करने लगे। ओवर खत्म होते ही उन्होंने तुरंत विराट और रोहित की ओर दौड़ लगा दी और कोच का मैसेज उन्हें दिया। यहां कुछ देर तीनों के बीच चर्चा हुई और फिर विजय मैदान से बाहर आ गए। जब ये इंसिडेंट हुआ तो टीम इंडिया 209 रन पर थी। विराट 37 और रोहित 33 रन बना चुके थे। ओवर खत्म होने के बाद जब प्लानिंग पूरी हुई तो टीम का स्कोर 215 रन पर पहुंच चुका था और 48 ओवर हुए थे। इसके बाद टीम इंडिया ने अपने स्कोर में 31 रन और जोड़कर दूसरी इनिंग डिक्लेयर कर दी। दरअसल पहले विराट ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और फिर रोहित का इंतजार किया। विराट 50 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद रोहित ने जैसे ही 53वें ओवर की दूसरी बॉल पर अपनी फेफड़ी पूरी की, पवेलियन से कप्तान विराट ने इनिंग डिक्लेयर करने का इशारा कर दिया।